हो रहा। नॉमिनेशन भर दिया है जी। किस तरह क्या सर, आज दलबल के साथ आपने नामांकन किया जी, बोलिए सर, आज दलबल के साथ आपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन किया है। देखिए, आज बेरी हल्के की बहादुर जनता ने आज जो अपने बेटे और अपने भाई का अपना आशीर्वाद दे करके नामांकन पर्चा भरवाने का काम किया, मैं पूरी बेरी हल्के की बहादुर जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि इतनी बड़ी भीड़ के साथ अपने बेटे और अपने भाई को आशीर्वाद देने का काम किया। संजय कमलाना, अब की बार बेरी विधानसभा में किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश और प्रदेश में विकास करने का काम किया, और मैं प्रदेश की बात कहूँ, जो कांग्रेस पार्टी में खर्ची और पर्ची चलती थी, सबसे बड़ा काम अगर किया, गरीब के घर में चूल्हा जलाने का काम किया, गरीब के परिवार को नौकरी देने का काम किया, और पर्ची और खर्ची को खत्म करने का काम किया, तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया। सर, आपने कहा था कि रूठे साथियों को मना लिया जाएगा, लेकिन आज एक प्रतिबंध आपके 3 दिन पहले प्रदीपल आउत जी को कह रहे थे रूठ रहा है, नीलमैला आउत जी को कह रहे थे रूठ रही है, ये आपके सामने खड़े हैं। बार बार पत्रकार साथी यही कहते हैं रूठ रहे हैं, रूठ रहे हैं, कोई नहीं रूठ रहा। एक दिन के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर वो साथी भी आ जाएगा, और सारे साथी कंधे से कंधा मिला करके बेरी विधानसभा चुनाव में कमल के फूल को खिलाने का काम करेंगे। सारे साथी लग के मेहनत कर रहे हैं, और सारे साथी चुनाव को रोजाना मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, ये कह रहे हैं भारी प्रत्याशी उतार दिया गया, बता रहे इसका क्या रहेगा? प्रत्याशी भारी है जी, भारी प्रत्याशी। आप पत्रकार साथी जो भारी बताने वाले लोग उठा रहते हैं, सेक्रेटरियट कहाँ है? जज्जर के अंदर मेरा मकान सेक्रेटरी के साथ में, आप पत्रकार साथी लिखना इस बात को जरूर कि मेरा मकान सेक्रेटरी जज्जर के साथ में, और जो भारी बताने वाले हैं वो कोई रोहतक रहता है, कोई चंडीगढ़ रहता है, मेरे को भारी बताने वाला कौन आदमी है? मैं तो गौ भगत का बेटा हूँ, और बेरी में बह रखा हूँ, और दोले डबारा का मैं बेटा हूँ, सारा नोगा में मैं बेटा हूँ, आज मेरे को भी भारी बताने वाले लोग हैं, मेरा तो सेक्रेटरी के साथ में घर है, मेरे को तो कोई भारी बताने का कोई मतलब नहीं, और मैं भारी नहीं हूँ, मैं उसके ऊपर भारी पड़ चुका हूँ, और जनता ने अपना आशीर्वाद और प्यार मेरे को दे दिया। सर, गांव-गांव में अपनी जनसभा की है, तो लोगों का कितना प्रोत्साहन मिल गया? जिस तरीके से मैं गांव-गांव गया, मेरी हल्के की बहादुर जनता ने, मेरे बुजुर्गों ने, मातृशक्ति ने, मेरी बहनों ने, नौजवान साथियों ने जिस तरीके का आशीर्वाद और प्यार देने का काम जो कर रहे हैं, आज पर्चा भरा तो उस जनता ने बता दिया कि किस तरीके का माहौल, बदलाव का माहौल बेरी हल्के के अंदर चल पड़ा है, और मैं ये कहता हूँ 5 तारीख को बेरी हल्के की बहादुर जनता कमल के फूल का बटन दबा करके और अपने बेटे और अपने भाई को विजयी बना करके बेरी हल्के के अंदर कमल का फूल खिलाने का काम करेगी।